हेलो गाइस, मैं हूँ शिवम। आप देख रहे हैं शो मोटोटेक। आज अपने पीछे है महिंद्रा थार। अब महिंद्रा थार किन की है, अपने सामने खड़े हैं ऋषिवंश भैया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भैया। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन दी। मेरा नाम ऋषिवंश यादव है जी, मैं सिविल कॉन्ट्रेक्टर हूँ। ये गाड़ी अपने नंबर प्लेट देख के समझ गए होंगे, CG 17 जगदलपुर बस्तर की गाड़ी है। रन भैया, आपका थार लेने का प्लान कैसे बना? असल में मेरा सिविल कॉन्ट्रेक्शन काम है जी, इसके लिए मेरे को क्या है ऑफरोड करना पड़ता है। अच्छा। और काफी जंगलों में जाना पड़ता है जी, जी। मेरे अधिकांश साइडें जंगलों में रहती हैं जी, इसलिए आने जाने में प्रॉब्लम रहता है। अच्छा। ये गाड़ी मेरे लिए बेस्ट था, कहीं भी रास्ते में जाना है, कहीं भी निकलना हुआ जी जी जी, तो कहीं से आना जाना है। अच्छा। इस गाड़ी से क्या अच्छे से हो जाता है जी, एकदम 4x टॉप एच वेरियंट है, डीजल आ लिया। हाँ, ये फुल टॉप है, इसके ऊपर टॉप नहीं आती है। अच्छा। सबसे मेन मेरा क्वेश्चन है आपसे कि आप थार तो ले लिया, उसमें मॉडिफिकेशन नहीं कराए, ऐसा क्यों? इसकी एक्सेसरीज हमारे शहर में अवेलेबल नहीं है अभी। अच्छा, शहर में अवेलेबल हाँ, नहीं है। मैंने कुछ पार्ट्स इसका ऑर्डर किए बाहर से। अच्छा। एक्सेसरीज जैसे क्लाइडिंग हो गई जी जी जी, और इसके स्पेशर हो गए टायर के। अच्छा। वो भी कुछ महीने में आने वाली है। अच्छा, ठीक तो है। वो आने जैसे आएगी तो मॉडिफिकेशन को दिख जाएगा। अच्छा, आपको गाड़ी लिए कितना दिन हो रहा है? गाड़ी को 1 ईयर हो रहा है। अच्छा, 1 साल हो गया कम्प्लीट, तो आपको पूरा एक्सपीरियंस हो गया। कितना चला लिया आप अभी तक? गाड़ी भी चल चुकी 20,000 किलोमीटर। 20,000 चला चुके हैं। और भी आप बताइए, ब्लैक कलर लेने का रीजन क्या था? सबसे पहले तो ब्लैक, जैसे हिंदू लोग में मना करते हैं कि ब्लैक मत लो, ऐसा है तो? असल में हमारे यहाँ 4x4 का चलन ज्यादा है शुरुआत से ही जी, तो मेरे यहाँ जितनी भी गाड़ियाँ हैं सभी ब्लैक हैं। अच्छा, सभी ब्लैक हैं? सभी ब्लैक है और सभी का नंबर प्लेट भी सेम है। अच्छा, और इसलिए आप कॉम्बिनेशन ब्लैक शर्ट भी पहन के आए भैया? हाँ, मेरे को ब्लैक बहुत पसंद है। अच्छा, ठीक है, ये भी अच्छी बात है। और नंबर वगैरह चॉइस लिए कि ऐसी नॉर्मल है? ये मेरी सभी गाड़ियों में नंबर सेम रहता है। अच्छा, नंबर ऐसी है आप जी, यहाँ तक कि मेरी आधार कार्ड का भी लास्ट डिजिट सेम है। अच्छा, 00 जी हाँ। तो ये कितना पड़ा भी आपको नंबर? ये नंबर मेरे को पड़ा है 30,000 का। 30,000, बढ़िया, अच्छा खासा कर रहे हैं। अभी मॉडिफिकेशन भी करने वाले हैं आप, तो आप कितना चलाएं अभी तक पूरा ओवरऑल? गाड़ी मेरी चल चुकी है 20,000 समथिंग। 20,000, तो क्या क्या आपको इसके नेगेटिव बताओ? ये पॉजिटिव तो बहुत बात करते हैं, नेगेटिव के बारे में बताओ, क्या नेगेटिव मिलते हैं अभी? इस गाड़ी की कटिंग छोटी है। अच्छा। स्टीयरिंग से अगर मोड़ना चाहें वो लंबी कटिंग है इसकी, बहुत दूर। अच्छा। से मुड़ती है गाड़ी। अच्छा। और अगर हमको ब्रेकिंग लेनी है गाड़ी को तो जैसे कोई अगर पास में गाड़ी खड़ा है तो आपको पहले रोकना पड़ेगा, वरना इसकी 4 फीट नीचे दिखता नहीं वो। अच्छा अच्छा, मतलब ब्रेकिंग के इश्यूज हैं इसमें जी। हाँ। और विजिबिलिटी कैसा है इस गाड़ी का? विजिबिलिटी ठीक है, लेकिन सामने के 5 फुट दिखता नहीं है। अच्छा, 5 फुट दिखता नहीं है, मतलब दूर से देखना पड़ता है जी। हाँ। तो उसके बाद? और लेफ्ट साइड से अगर कोई बाइक वाला खड़ा है जी जी, एकदम करीब में खड़ा है तो वो दिखता नहीं है। अच्छा, एकदम देखना पड़ता हाँ, है फिर इसमें काफी बाइक वाले गलती करते हैं कि थार के टिक के एकदम खड़े रहते हैं जी जी, तो कभी कभी हम ऐसा मोड़ते हैं तो उनको लग जाती है। अच्छा, तो गाड़ी की ले तो लियो भैया थार, तो रिएक्शन कैसे मिलता है आपको? नहीं, थार का रिएक्शन बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा है ना। इसके बगल से अगर मर्सिडीज गुजरेगी लोग उसको नहीं देख के इसको देखते हैं। अच्छा, ये भी एक सही बात बोल रहे हैं भैया। और एक ब्लैक में तो सबकी फेवरेट है ब्लैक में थार वगैरह, तो ये कहाँ से लिए हैं आप ये गाड़ी? ये बालाजी मोटर जगदलपुर से लिया हूं। अच्छा, यहीं से लिया, अभी तो फिलहाल बंद है। जगदलपुर की पहली डिलीवरी हुई थी हमारे पास। अच्छा, इस थार की जी। तो उसके लिए भी आपको कॉन्ग्रेचुलेशन थार के लिए भैया। आप जब से थार लिए हो ना, थार लेने के बाद ना हर इंसान के दिमाग में आता है कि ऑफ रोड करने का, तो आप क्या क्या कर चुके हैं भैया इस गाड़ी के साथ? ये जब गाड़ी हम लोग लिए थे जी, इसको लेने के तुरंत बाद हम लोग यूपी गए थे, उत्तर प्रदेश। अच्छा जी, उत्तर प्रदेश में हमारा गांव है आजमगढ़ में। अच्छा, तो वहां पे गए थे, तो वहां पे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन रहा है अभी जी जी, कुछ बन गया है, कुछ अधूरे हैं। हाँ हाँ। तो वहां पे एक लंबी ट्रेलर ट्रक पलट गई थी। अच्छा, तो पूरा रास्ता 2 किलोमीटर जाम था जी। तो मैंने फर्स्ट टाइम इस गाड़ी से जी हाईवे से नीचे खेतों को उतार के लेकर गाड़ी को। अच्छा, उस टाइम पानी थी या नॉर्मल खेत? नहीं, खेतों पर पानी भरा हुआ था, धान का खेत था वो जी जी, तो काफी गाड़ी निकल नहीं पाई थी जी, और 6 घंटे का जाम लगा था जी। तो इस गाड़ी को मैंने खेत से उतार के लेके चला गया था। अच्छा, तो मतलब 5-10 मिनट में ही गाड़ी निकल गई खेत से, और काफी लोग उसमें हैरान थे देख के कि एकदम इजिली निकल गई गाड़ी। अच्छा, बहुत। उसका क्लिप्स रखे हैं क्या आप? इसकी क्लिप मेरे पास मौजूद नहीं है। अच्छा, क्योंकि हम लोग एक सडनली ट्राई किए थे उस चीज को। अच्छा अच्छा, तो पहला ही ट्राई था वो, बहुत सक्सेसफुल हम लोग उसको ड्राइव करके निकाल लिए वहाँ से। अच्छा, तो ये अपनी महिंद्रा जो थार है सबसे टॉपेस्ट वेरिएंट है डीजल में, जो इसके ऊपर कुछ नहीं आता, फिर ऑटोमेटिक आता है इसके ऊपर, तो ये मैनुअल में सबसे टॉपेस्ट वेरिएंट है। टॉप में दो ऑप्शन आती है जी, गियर का एक आता है ऑटोमेटिक, एक मैनुअल जी जी जी। ये एलेक्स है, मैनुअल एलेक्स, हार्ड टॉप वाली टॉप मॉडल। तो इसमें सॉफ्टवेयर आता है कन्वर्टेबल जी जी, सॉफ्टवेयर मुझे पसंद नहीं है उसमें, एसी सही जम्स काम नहीं करता है। अच्छा, और हम लोग क्या लंबा लंबा जाना पड़ता है जी, दिक्कत जाती है उसमें जी जी जी। और इसमें आपको 130 BHP का पावर मिलता है और 300 Nm का टॉर्क। कभी आपको ऐसा लगा है कि कुछ पावर में कमी हो रहा है भैया? नहीं, पावर में कमी नहीं है इसके, अगर 4x4 के गियर आप डालोगे जी तो पावर और जनरेट होगा।
150 BHP का पावर एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। अच्छा ऐसा है, तो अभी अब जैसे हाई लो ऐसे कुछ उसके 4x4 के वो भी रहते हैं गियर्स, तो आप सिटी में जब ड्राइव करता हूँ, सिटी और हाईवे में जी 4x4 यूज नहीं करता हूँ जी। जब अंदरूनी अपने साइडों में जाता हूँ जहाँ मेरी साइडें हैं, जैसे कि कोलिंग में मेरा एक हॉस्टल बन रहा है, अच्छा मैं वहाँ पे एक हॉस्टल बना रहा हूँ गवर्नमेंट का जी, वहाँ जाता हूँ तो वहाँ मुझे जरूरत पड़ता है क्योंकि वहाँ के रोड बहुत खराब है जी। हालांकि अभी रोड सही हो गए हैं वहाँ पर, ठीक है, लेकिन जब हम लोग काम शुरू किए थे तब बहुत रोड खराब था जी जी, बहुत ज्यादा खराब था, तब मैं 4x4 में जाता था वहाँ पर जी, और इस गाड़ी से जाना आना मुझे अच्छा पड़ रहा था। अच्छा, तो ये ओवरऑल ये सब थी, और माइलेज क्या देती है भैया नॉर्मल और 4x4 में? माइलेज सिटी में तो 9 है 10 का है, अच्छा, लेकिन 4x4 में 6 और 7 का है। अच्छा 6 और 7 का है, काफी लोगों से पूछोगा कम बताएंगे जी जी, लेकिन मेरी गाड़ी का एवरेज 10 का आता है सिटी में, अगर लंबा हाईवे में जाओ वो ड्राइव टू ड्राइव अपने ड्राइवर के मतलब एक्सपीरियंस के हिसाब से होता है भैया। इसमें 6 गियर है, अब 6th गियर में चलोगे और हाईवे पे जी तो 10+ के एवरेज देगी आपको। अच्छा ठीक है, और अगर आप सिटी में चलोगे तो 7 और 8 की एवरेज देगी। अच्छा, और भैया इसके जो टायर्स हैं, काफी मैंने थार देखे जिसमें ना चौड़े चक्के लगा देते हैं, अलॉय व्हील चेंज कर टायर साइज मतलब एक टाइप का उसको बढ़ा लेते हैं या कम कर ले, जैसे भी है, वो क्यों कराते हैं भैया? और आपके साथ ऐसा कुछ इशू है क्या ये बताइए? कंपनी के जो टायर दिए हुए हैं इसमें जी, ये सफिशियंट है चलने के लिए। अच्छा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ज्यादा मड एरिया रहता है, बहुत ज्यादा कीचड़ फिसलन होते हैं जी, ये कंपनी के टायर है जी, इसको हम चेंज करते हैं। अच्छा, ये असल में आलट्रैक टायर है, जो कंपनी के टायर होते हैं उनमें यहाँ पे मिट्टी हो जाती है, छिपक जाती है मिट्टी, तो स्लिपरी होती है जी जी, इसलिए बाहर के स्टॉक टायर लगाना पड़ता है। अच्छा, तो स्टॉक टायर में क्या होते हैं उसके ये ग्रिप बहुत मोटे होते हैं जी जी, तो जिसमें ना कीचड़ नहीं फंसते जी, तो उस कारण से लगाना पड़ता है। हालांकि मैं अभी इस टायर को चेंज करने वाला हूँ। अच्छा, इसको मैंने ऑर्डर किया है। अच्छा, ये टायर थोड़े से बाहर आ जाएंगे बॉडी से। अच्छा जी जी जी, मतलब वो जो प्रोफाइल है वो बढ़ जाएगा। हाँ, वीट तो उसकी बढ़ जाएगी, जिसमें ड्राइव क्वालिटी भी उसमें इम्प्रूव हो जाएगा। हाँ, ये 4x4 में असल में काम आता है इसमें। अच्छा, इसके ड्राइव एक्सपीरियंस के बारे में आप बताओ, क्योंकि आप 20,000 चला चुके हैं तो आपको अच्छे से एक्सपीरियंस होगा गाड़ी का कि कैसे चलने में। इस गाड़ी का स्टेरिंग जो है ना वो हार्ड है। अच्छा, वो हार्ड थोड़ा सा इसलिए है क्योंकि ये गाड़ी हाइड्रोलिक स्टेरिंग है इसकी जी, टायर थोड़े बड़े हैं, ऑफ रोडिंग है जी, और हाइड्रोलिक का फायदा ये होता है गाड़ी ना आपका स्टेयर रहती है रोड पर। अच्छा, जरा सा भी बैलेंस मतलब डगमगाता नहीं है इसका जी जी, इसलिए स्टेयरिंग से हार्ड है। हाँ हाँ, और मैं इसको काफी लंबे लंबे चला चुका हूँ। अच्छा, इस गाड़ी को मैं दिल्ली तक चलाया हूँ। अच्छा, दिल्ली वहाँ के हाईवे में जी, आगरा एक्सप्रेस वे में जी, ये गाड़ी बहुत स्मूथ चलने में बहुत स्मूथ है, बस थोड़ा सा इसका यहाँ पे एयर टकराता है बहुत ज्यादा। अच्छा, एयर टकराता है, विंड नॉइज थोड़ा सा गाड़ी में आती है। हाँ हाँ, ये इसका मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, गाड़ी का क्या स्लोप जो है ना यहाँ पर। अच्छा, जो स्ट्रक्चर बना है उसी के हिसाब से। ये असल में क्या है, कर्व नहीं है जी, इसलिए यहाँ पे इसका एयर नॉइज बहुत आता है। अच्छा अच्छा, लेकिन तो आप हाईवे में चलोगे तभी आएगा, वैसे नहीं आएगा जी जी। तो इसके राइड क्वालिटी में कुछ आपको वो कमी लगी भैया कि इतने स्पीड में ऐसे दम छोड़ देती है या मजा नहीं आता है टाइप का? अगर आप हाईवे में चला रहे हो जी, तो आप जितने स्पीड चाहो, लिमिट स्पीड में आप चला सकते हो। अच्छा, अगर आपको थोड़ा सा घाटी वाले एरिया है जी, तो मैं चाहूंगा कि आप स्लो चलिए। ऐसा क्यों भैया? बॉडी रोल ज्यादा है इसमें। हाँ, कंपैरेटिवली ज्यादा स्पीड चाहेंगे तो जाहिर सी बात है गाड़ी को पलटने का डर रहेगा जी। कई लोग क्या है तेजी से मोड़ते हैं गाड़ियों को जी जी, कुछ थार की वीडियो आप देखेंगे कि काफी गाड़ी पलटी हुई है जी जी जी, इसलिए गाड़ी को अगर मोड़ रहे हो आप तो स्पीड थोड़ा सा कम कर लीजिए आप। तो अभी भैया इसके स्पेस के बारे में हम बात करते हैं, कैसा है भैया इसमें स्पेस? अगर आप 4 लोग जा रहे हो बाहर जी, तो इसका स्पेस उतना तो ठीक नहीं है जी, इसमें आपको बस इतनी जगह मिलेगी। अच्छा, और आप इतना ही तक ही रख सकते हो। अभी मैंने गाड़ी का कवर रखा हुआ है यहाँ पर। अच्छा, ये हमेशा ढक के रखता हूँ क्योंकि ब्लैक गाड़ी है जी, तो धूल बहुत लगते हैं, तो इसलिए मैं ढकता हूँ इसको। स्पेस इतना ही है, आप इसमें 2 बैग रख सकते हो बस। अच्छा, तो एक मेरा एक क्वेश्चन है भैया, जैसे थार लेते हैं तो ये शॉकिंग लोग लेते हैं जी। हाँ, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे मैं देखा हूँ कि फैमिली पर्पज के लिए थार लेने का सोचते हैं, आप क्या बताना चाहेंगे उनको, रिकमेंड करना चाहेंगे कि फैमिली पर्पज से लेना चाहिए या फिर नहीं? थार फैमिली गाड़ी तो नहीं है जी, क्योंकि इसमें वुमेन्स के लिए चढ़ना उतरना मुश्किल है क्योंकि एक ही डोर है जी, और एक डोर से उतरना मुश्किल जाता है जी। तो थार असल में एक ऑफ रोडिंग है जी, लेकिन फैमिली भी यूज कर सकते हैं अगर आपकी लेडीजें उतरने चढ़ने में कंफर्टेबल है तो। अच्छा, बाकी तो इस गाड़ी में लंबा जाने के लिए रास्ता बहुत अच्छा है और आप जा सकते हो, रास्ता खराब भी तो भी जा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा आपको जी जी। और मैं जितने वीडियोस वगैरह में सुना हूँ भैया, पीछे जो रो है उसमें सफोकेशन फील होता है लोग जो बैठते हैं, ऐसा नहीं है इसमें? सेकंड रो में इसमें एसी नहीं है। अच्छा, लेकिन जो सामने से इसकी एसी की हवा आती है बहुत तगड़ी है। अच्छा, इसकी ब्लोअर बहुत
अच्छा थ्रस्ट देते हैं जी जी, तो पीछे तक बहुत अच्छा इसमें हवा मिलती है और ठंडक बहुत अच्छी रहती है इसमें जी जी जी। इसकी खिड़कियां नहीं खुलती ना, इससे लोगों को लगता होगा कि सफोकेशन हो रहा है। अच्छा, और ये इसका कंफर्ट में ओके है गाड़ी? लेग स्पेस बहुत अच्छा है इसका। अच्छा, पीछे लेग रूम और हेड रूम बहुत अच्छा है इसका। अच्छा, इसे कहाँ कहाँ अभी तक आप ट्रेवल कर लिए? मैं इस गाड़ी में दिल्ली गया हूँ। अच्छा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, लखनऊ और आपका कलकत्ता भी ड्राइव कर चुका इसमें। अच्छा, आप ही सिंगल हैंड आप ही चला गए? जी हाँ। तो आपको मजा आया होगा बहुत? बहुत ज्यादा, कंस्ट्रक्शन के काम से मुझे जाना पड़ता है बाहर। जी जी, काफी मशीनें मेरी बाहर से आती हैं। अच्छा, तो मैं मशीनों को लेने देने से पहले जांच के लेता हूँ। जी, तो इसी गाड़ी में जाता हूँ देखने के लिए। अच्छा, तो मेरा क्या घूमना भी हो जाता है और काम भी हो जाता है। जी, शौक भी पूरा कम्प्लीट हो जाता है। गाड़ी तो बहुत बड़ी है। उसके बाद इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, ग्राउंड क्लियरेंस अपने को 226 की मिलती है। अभी आप खड़ी गाड़ी में देख लो यार, कितना अपने को ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलते हैं। भैया, कैसे इसका ग्राउंड क्लियरेंस आप बताइए, कहीं आपको तकलीफ वगैरह हुई है? इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस जो है सभी गाड़ियों में ज्यादा है। जी, आप देखोगे कि अगर 1.5 फुट का पत्थर भी यहाँ आता है, जी है ना, 1.5 फुट का पत्थर भी यहाँ आता है जी, तो गाड़ी उसको पार कर निकल जाएगी। अच्छा, बस आपको अगर संभालना है तो अपना रेडिएटर, हाँ हाँ, इस गाड़ी का रेडिएटर जो है ना थोड़ा नीचे दिया हुआ है। अच्छा, तो इसमें आप इंजन गार्ड वगैरह नहीं लगवाए क्या अभी तक? इंजन गार्ड इसके अंदर लगा हुआ है। अच्छा, इसके ऊपर से ये कवर लगा हुआ है, बॉडी कवर। हाँ हाँ हाँ, लेकिन फिर भी पत्थर कितना बड़ा भी रहे वो तो तोड़ ही देगा। हाँ, तोड़ देगा। तो आपको अभी तक कहीं दिक्कतें हुई भी है इसके ग्राउंड क्लियरेंस? कहीं नहीं हुई, कहीं टकराई वगैरह नहीं। बस गाड़ी को अपन ऑपरेटिंग करते हैं तो मैं ज्यादा करके मड एरिया में ले गया हूँ। अच्छा, मैं बस्तर में रहता हूँ, यहाँ पहाड़ से ज्यादा है। जी जी, लेकिन पहाड़ काफी बड़े हैं तो पहाड़ की जरूरत ही पड़ती है। जी, बस यहाँ पे मड एरिया ज्यादा है जी, कुछ कुछ इलाकों में। अच्छा, और धूल और मिट्टी वाले इलाके ज्यादा है तो गाड़ी वहीं ज्यादा चलती है। जी जी, तो ये ब्लैक लिए तो कुछ इसमें मेंटेनेंस वगैरह मांग रही है क्या? हाँ, जिस दिन निकालता हूँ गाड़ी धो के निकालता हूँ। हाँ, और उसके बाद जब अगले दिन फिर निकालता हूँ फिर मुझे धोना पड़ता है इस गाड़ी को। अच्छा, तो आप इसमें प्रोटेक्शन वगैरह कुछ यूज कर रहे हैं कि नहीं? इसमें मैंने सिरामिक कोट कराया हुआ है गाड़ी में। अच्छा, जो 1 लाख का खर्च होता है उसमें लगा है। जी जी, उसके बावजूद भी धूल गाड़ी खींचती है। अच्छा, ये कहाँ से कराए आप जो सिरामिक कोटिंग बोल रहे हैं? मैं रायपुर से कराया हूँ। अच्छा, रायपुर तेलीबांधा में एक शॉप है। जी जी, वहीं पर मैंने कराया है इसका। अच्छा, तो इसका जो है फायदा तो मिलता है, स्क्रैच प्रूफ हो जाती है गाड़ी, लेकिन धूल प्रूफ नहीं हो पाती। अच्छा, धूल अटक जाती है उसमें। डस्ट तो इसमें बैठता ही है। हाँ हाँ, ब्लैक मतलब डार्क कर लेना इन द सेंस कि मेंटेनेंस अगर आप कर पाते हैं मेंटेन तो लेना चाहिए। पहली बात तो गाड़ी को आपको छांव में खड़ी करनी पड़ेगी, आप जहाँ भी खड़ी करो जी, वरना गाड़ी में इतने हीट इशू आएंगे आपको कि आपको एसी को चलाना पड़ेगा। अच्छा, और गाड़ी आप जब भी निकालोगे धो के पॉलिश करके जी, 3 घंटे में आप पाओगे गाड़ी वापस धूल धूल हो गई है। अच्छा, 3 घंटे में? हाँ, अगर आपका इलाका धूल वाला है तो। जी जी जी, जगदलपुर में धूल ज़्यादा है जी, तो मेरा क्या है कंस्ट्रक्शन का वर्क है तो वहाँ धूल सीमेंट रेत तो हमेशा लगते रहते मेरी गाड़ियों में। हाँ, तो सबसे ज़्यादा धूल से मैं बहुत परेशान रहता हूँ इस गाड़ी को लेकर। अच्छा, और इसकी पार्किंग इशू भी है, जहाँ भी खड़ी करता हूँ छाँव में देखे खड़ी करता हूँ। अच्छा भैया, ये इतनी पावरफुल इंजन होने के साथ आपको कैसा लगता है इंजन आपको? इस गाड़ियों का महिंद्रा कंपनी में सभी इंजन से सबसे अच्छा इंजन इसका है जी, और इसका जो है एमोक इंजन है। आप देखोगे कि इसका इंजन जो है ना काफ़ी बड़ा है। अच्छा, काफ़ी स्पेसी है, काफ़ी बड़ा इंजन है। और इस गाड़ी को आप ना 1 मीटर के पानी में ले जा सकते हो। अच्छा, और आपको दिक्कत नहीं होगा, इंजन काफ़ी हाइट पर है इसका। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये है, ये तो इसका रेटर है। हाँ, पानी यहाँ तक भर सकता है। अच्छा, उसके बाद एयर ये यहाँ से ले लेगा अपना। अच्छा अच्छा, यहाँ जो दिख रहा है। हाँ, ये इसका टर्बो है। तो मैंने सुना है भैया कि महिंद्रा गाड़ियों में टर्बो का इशू आता है, तो आपके आया है क्या अभी तक? टर्बो का इशू आता है लेकिन इस गाड़ी में नहीं है ऐसा इशू। अच्छा, क्योंकि पहले आता था, कंपनी ने उसको सुधार कर लिया है। अच्छा, और इसके सारे टर्बो जो है ना चेंज किए हुए हैं कंपनी ने। जी जी जी, बहुत ही रिफाइंड टर्बो है इसका। अच्छा, अपनी पहले बोलेरो थी भैया, उसमें 30 या 35 किलोमीटर कुछ चली थी 1000, तो उसमें हमारी टर्बो खराब हो गई थी। मेन डिपेंड करता है आपका रखरखाव कहाँ है जी, और आप गाड़ी की एयर इंटेक को साफ करते कि करते। जी जी, मेरी गाड़ी में ये एयर इंटेक है ऊपर की। जी, ये बस ऑफ रोड में काम आता है जी, इसको मैं साफ करता हूँ। अच्छा, और आप देखोगे तो इंजन इसका ना वर्टिकल शेप में है जी, गाड़ी रियर व्हील ड्राइव है, साथ में फ्रंट व्हील ड्राइव भी है। अच्छा, फोर व्हील जब यूज होता है। हाँ, और इसके गियर बॉक्स काफी बड़े हैं। अच्छा, इतना बड़ा इसका इंजन है
जी, उतना ही बड़ा इसका गियर बॉक्स भी है। अच्छा, और गियर बॉक्स इसका बॉडी के सेंटर में दिया हुआ है। तो ऐसे मतलब शोर मचाती है इंजन जब आप ड्राइव करते हो? नहीं, इसमें नॉइज नहीं है। अच्छा, इस गाड़ी में बिल्कुल भी नॉइज नहीं है। आप जब 4x4 डालोगे तो इंजन का इसका अलग ही साउंड आएगा। अच्छा, और सही बताऊं तो आपको गाड़ी का बस ये साउंड आएगा टर्बो का। हाँ हाँ हाँ, और वो कोई दिक्कत की बात नहीं है जी, वो साउंड को हम लोग इंजॉय कर रहे होते हैं। अच्छा जी, और जो इंसुलेशन तो नहीं हुआ है, बोनेट में ऐसी खाली दिख रहा है। पहले एक बार अंदर दिखा देता हूँ आप लोग को भैया की गाड़ी कैसे है। ये कुछ अपनी इस टाइप की दिक्कत मिलती है, इनकी सीट कवर्स वगैरह लगाए हुए हैं एंड यहाँ पे फूड मेट्स वगैरह यूज़ हुए हैं। ऐसा कुछ अपने मस्त स्मेल आ रही है इसमें। तो ये था कुछ अपने ऋषि वंश भैया के साथ अपना ऑनर्शिप रिव्यू थार का। तो थैंक यू भैया, आपके साथ मिलकर अच्छा लगा। तो फिर से अगर आप नया गाड़ी लेते हैं तो मिलते हैं आपके साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।